दोस्तों आउटडोर स्पीकर्स जो भी आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, 4-5 हज़ार रुपए के आसपास आते हैं, और या अगर जो और भी अगर JBL के या बाकी जो ब्रांड्स के आते हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। तो हमारे शाओमी भैया जो कि आपको एकदम बजट में चीज़ों देने के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने एक और ऐसा आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ही कॉम्पैक्ट जिसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलेगा, साथ ही एलेक्सा और आपका गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि शाओमी का जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो क्या प्राइस रेंज तक आएगा, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, कितने तक है और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और लास्ट में मेरी ब्लंट एडवाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर, और आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर्स की जो रेंज है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, आई मीन बजट या एकदम टाइट बजट के अंदर जो आते हैं। कुछ एक दो कंपनीज है मेवी जैसे, इनके कुछ प्रोडक्ट्स काफी ठीक ठाक है, काफी अच्छी खासी कंपनी है, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स भी आपको थोड़े से महंगे देखने को मिलते हैं। महंगा तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़े से आप कह सकते हैं कि एकदम टाइट बजट के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो वहीं अगर बात करता है एकदम टाइट बजट के अंदर एक आउटडोर स्पीकर, तो उसके अंदर शाओमी भैया ने एक और ऐसा अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, मी ब्लूटूथ आउटडोर स्पीकर, जो कि बेसिकली एक आउटडोर स्पीकर है। इसको आप मल्टीपर्पज यूज में अंदर ले सकते हैं, और दोस्तों साथ ही शाओमी का कहना है कि ये आपका अल्ट्रा मोबाइल लाइफस्टाइल के अंदर आपकी मदद करेगा। आज के टाइम में जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है या फिर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट वो चाहते हैं, तो मतलब हर जगह उसको इजीली ले सकते हैं, आई मीन पॉकेट के अंदर डाल के भी इसको आप कैरी कर सकते हैं। तो वहीं अगर प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको 5 वाट का आउटपुट देखने को मिलेगा, साथ ही इसका जो डायफ्राम है ये बना है आपका कैनेडियन लॉन्ग फाइबर पल्प वाइब्रेशन फिल्म से, जो कि आपको एंश्योर करता है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, ऑडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन हो। साथ ही आपको इसके अंदर पैसिव रेडिएटर देखने को मिलेगा जो ये एंश्योर करेगा कि लो फ्रिक्वेंसीज को वो अच्छे से आपको आउटपुट दे पाएगा। कई बार ऐसा क्या होता है कि जब भी आप कोई बजट वाला स्पीकर खरीदते हैं तो उसके अंदर आपकी जो लो फ्रिक्वेंसीज है वो इतनी ढंग से उभर कर आ नहीं पाती, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, हर बार मैं आपको सब्सक्राइब का कहना भूल जाता हूं, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दो, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और अपने आप को आप थैंक यू कह सकते हैं। अब साथ में इसके कुछ फीचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे आपको बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स एकदम लो बजट या फिर आप एकदम टाइट बजट के अंदर आपको यहां देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा फीचर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल यहां बहुत सारे फीचर्स हैं गिनाने को, जैसे इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट है आपको, गूगल असिस्टेंट, सीरी, और आपको इसका एलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अंदर आपको वन टच की एक्सेस बटन मिलेगा, उसके अलावा आपको यहाँ पे की फंक्शन देखने को मिलेगा जिससे आप कॉल्स को ले पाएंगे और कॉल को सिंगल टच से आप डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ आपको अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा, जो ये इंश्योर करता है कि इसकी जो कनेक्टिविटी एकदम कमाल रहने वाली है। और दोस्तों शाओमी ने इस ब्लूटूथ स्पीकर को इस तरीके से मार्केट किया है कि वो कहते हैं कि ये आपका अल्ट्रा मोबाइल लाइफस्टाइल को सपोर्ट करेगा, यानी आप जब भी कहीं भी जाते हैं अपने साथ में हर चीज़ कैरी करने की हम लोगों की इच्छा होती है, तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि बहुत ही मोबाइल स्पीकर है, आप जहाँ चाहें इसको ले जा सकते हैं, हर जगह ले जा सकते हैं, मतलब बहुत छोटा सा साइज़ में है, आप आराम से पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं। बाकी जो बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं उनको आप ईजिली ले जा नहीं पाते हैं, और कई बार सोचना पड़ता है लेके चलूँ या नहीं ले चलूँ, और प्लस हैवी भी होते हैं तो सीम हो जाता है, तो इसको आप हर जगह ले जा सकते हैं, तो ये आपकी अल्ट्रा मोबाइल लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इसके बाकी फीचर्स की, जैसे इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 2000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको 20 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक देगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एक छोटा सा तुच्छा सा स्पीकर आपको 20 घंटे, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका एक हफ्ता ये आराम से चल जाएगा। साथ ही इसके अंदर आपको IPX5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और एंटी स्किड एजेस की वाली ग्रिप वाला इसमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये आपका स्पीकर हल्के से आपके गीले हाथ है तो फिसलेगा नहीं, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर, बाकी अगर लास्ट लेकर मैं बात करता हूँ उसकी प्राइस की, तो ये आपको 1200-1300 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ आप इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, और बाकी तो ये आपको एक बार ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों सबसे कमाल की बात इसकी ये है कि ये लाउडेस्ट है अपने सेगमेंट में, जिस सेगमेंट और जिस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये आता है, तो ये लाउडेस्ट स्पीकर है अपने प्राइस सेगमेंट के ऊपर। और मेरी तरफ से अगर ब्लंट एडवाइस की बात करते हैं, तो ये स्पीकर आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिशन में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मिवी के या जो बाकी दूसरे ब्रांड्स के जो स्पीकर्स आते हैं वो थोड़े से महंगे हैं, अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो इसके डबल प्राइस के हैं, तो जहाँ जाके आपको सोचना पड़ता है कि यार क्या करें, बजट पे जाएं या फिर, और फीचर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको इतनी डबल प्राइस पे करनी चाहिए। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चेक के बाय बाय। थोड़ी और वीडियो देख लीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दो, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए।